डियर स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू इन द इन दिस टॉपिक दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक इज नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट कि कैंडिडेट का नामांकन कैसे करते हैं कैंडिडेट किस तरह से अपने एलेक्शन के लिए अपना नामांकन करते हैं न अपने को नॉमिनेट करते हैं तो वी नोटेड अबाव that in a democratic elections uh, people uh, should have a real choice uh, as you already know in a democratic elections uh, people they have a real choice uh, in front of them different political parties are uh, fight elections uh, it is up to the uh, voters uh, which party is choose by him. This happens only when there are almost uh, no restrictions on anyone to contest an election. Real choice means uh, everyone is free to contest the elections uh, and there is no restrictions over anyone to contest election. Election learning, everyone is free to contest the elections. दिस इज़ वाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स और यही हमारा सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि यहाँ जो है किसी को भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए यू विल हैव टू डिपोजिट द सिक्योरिटी इन द कलेक्ट्रेट एंड यू आर फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एनी वन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बी ए कैन ऑल्सो बी ए कैंडिडेट इन इलेक्शंस कोई अगर वोटर है तो वो इलेक्शन में जो है कैंडिडेट भी हो सकता है द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज इफ एनी इज़ गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन द एज ऑफ हिम मस्ट बी नाट लेस दैन ट्वेंटी फाइव ईयर्स

वेरी एस्टिम केसेस लेकिन ये एस्टिम केसेस में ही अप्लाई uh, होता है पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दे कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल्स एंड सपोर्ट जो कैंडिडेट होते हैं इफ़ दे आर बिकमिंग दे आर बिकमिंग द कैंडिडेट ऑफ एनी पॉल्टिकुलर पार्टी दे गेट द सिंबल ऑफ दैट political party and uh, support of that political party. who get the party symbols and support party's nomination is uh, often called the party tickets. if someone is uh, contesting on behalf of any parties, uh, then party's nominations is uh, generally known as party tickets. Every परसन्स who wishes to contest एन elections has to fill a nomination form. उस अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन कंटेक्ट करने जा रहा है तो उसको एक nomination form जो है फिल करना होता है and uh, he will have to give सम मनी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कुछ सिक्योरिटी uh, जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जमा करनी पड़ती है recently, a new system of uh, declaration has been introduced on the direction from the supreme court. the one a system of the declarations has also been introduced uh, on the directions from the supreme court. Uh, every candidate has to make a legal uh, declarations. Uh, he will have to give the full details uh, of um, how many criminal pen criminal cases are pending against uh, the candidate. It uh, will mention in the nomination form. Detail of the assistant liabilities of the candidate and his or her family. The person who is going to contest election, he will have to be. गिव द डिटेल्स ऑफ असिस्ट अपनी संपत्ति की डिटेल्स उसे देनी पड़ेंगी और वाट व्हाट इज़ द लाइबिलिटीज और क्या जिम्मेदारियाँ हैं कैंडिडेट की उसको बताना पड़ेगा और वट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द नॉमिनेशन फॉर्म द पर्सन हु इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस द इन्फॉर्मेशन टू बी मेड पब्लिक ये जो है इंफॉर्मेश विच इज गिवन बाई द कैंडिडेट इट इज पब्लिस इसे पब्लीसाइज कर दी जाती है दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द कैंडिडेट और ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लीसाइज होने के बाद ना इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स ये जो है इंफॉर्मेशन वोटर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है करती है कि वो व्यक्ति जो है कि डिसीजन ले सके जिससे कि कि वो कैंडिडेट किस तरह का है क्रिमिनल केस तो उसके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है या डिटेल ऑफ आशिस्ट उसकी कितनी है और in the next elections uh, how much increase in the assist of uh, contesting election contesting uh, candidate mean to say uh, it is the it is uh, the desire of the voters to whom he or she want to cast his vote in favor of which candidate if uh, the voters known to about the candidate <clears throat>